बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ उज़्मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़्मा। नाज़रीन, हम इंसान मिट्टी से बने हैं और हमने एक दिन मिट्टी के अंदर ही दफन हो जाना है, और हमारी जो औकात है वो एक मच्छर का जो पर है उसके बराबर भी नहीं। तो इंसान किस चीज़ का इतना मान गुमान और तकब्बर और गुरूर करता है, और पैसे का और पता नहीं किस चीज़ का, ब्रांड गाड़ियाँ पता नहीं किस चीज़ का मांग करते हैं, तो किसी काम के नहीं। हमारे जो अमाल हैं, अमाल में भी बार दफ़ा लोग दिखावा करते हैं, तो मेन जो होती है वो आपकी नीयत होती है, कि आपकी नीयत जो है वो कितनी अंदर से खलूस है, और खलूस नीयत के साथ आप क्या काम करते हैं। ठीक है, तो कब्र हमारी जो है वो आखिरी आरामगाह, आखिरी हमारा घर वो है, यहाँ चंद दिन के हम मेहमान हैं, चंद दिन के हम मेहमान हैं, चंद दिन के मेहमान हैं। उसके बाद यहाँ पे हम एक मकसद के लिए आए हैं। दुनिया में आने का मकसद क्या है? झूठ, फ्रेब, धोखा, रिश्वत, कत्ल, गारत, जना, बदकारी, ये करने के लिए हमें नहीं भेजा गया। हमें इस दुनिया में भेजा गया है और हमने यहाँ से वापस जाना है, और फिर उसका जो दी एंड रिज़ल्ट है वो उतरते साथ अल्लाह ने हमसे पूछना है। और आज तक वापस कोई नहीं आया कब्रिस्तान से जाके, और ना ही किसी ने बताया कि वहाँ क्या हुआ है। और लोग इंकशाफ करते हैं कि ये हो गया, फलां हो गया, ऐसा हो गया, ऐसी कोई भी बात नहीं। मेरे साथ आज एक बुज़ुर्ग मौजूद हैं जो पिछले 50 साल से गोरखन हैं, कब्रें निकालते हैं, और 50 सालों में इन्होंने क्या वाक़ात देखे हैं कब्रिस्तान में, हम इनसे पूछते हैं। जिस चीज़ का हम लोग मान करते हैं वो आज यहाँ पे हमें जाहिर हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। बाबा जी ठीक हो? हाँ ठीक है भाई जी। कितने साल हो गए ना तुम्हें कब्रां काट दे? सच्ची गल है ना, मैंने थोड़ी 50 साल 7 साल हो गए मैंने कब्रां छटे हूं, क्योंकि बांह टूटी एक्सीडेंट हुआ था, मैं उधर कब्रां छटिया है। कितने साल से जो तुम पहली कब्र कड़ी? बाबा जी कोई चेता नहीं हैगा, आगे से भी कोई पुत्र चेता नहीं हैगा। 25-26 साल उम्र थी मैं मेरी कब्रिस्तान और जनाजा से बोले के शुरू हुआ। ते डर नहीं लगा सी जदों पहली कब्र कड़ी सी? कुछ तो दसा एक दो दिन मैं डरा डरा बाद तो कुछ नहीं हुआ। मैं बंदा सी ओह बंदे आ हुई जी जमीन दे पे हुई ओह का सारा कुछ कुछ नहीं। 50 सालां च तुसीं कोई ऐसा वाकया देखिया होवे किसी कब्र च, या कोई ऐसा इंकशाफ किया होवे, यानी कि कोई ऐसा इंकशाफ होया होवे कि कब्र कड़ी होवे, कब्र दे उत्ते कब्र होवे, ते कोई ऐसा तुसीं वाकया देखिया होवे जिहड़ा लोग कहिंदे ने कि जिहड़े अल्लाह दे बंदे हुंदे ने उहनां दा कफन भी मैला नहीं हुंदा, ते जिहड़े बद साडे वर्गे हुंदे ने मेरी कि किस्मत चंगी है ना कि डाढ़े ने अल्लाह के लोग उन्होंने कबर के लागे टप्पा वही गाई था। गल याद रखी कि वो जो बंदे ने वो आप ही कटावे ने ज्यादा इतने कटवा दौ एवं तू मैं नहीं कम कर सकता। कि तू मैं आखे ना आ बाबा कम कर, तेरा सारा सबूत लेना है, तेरे घर बार का सबूत लेना है, सबूत लेते फिर कबर तू लागे जाना है, एवं लागे नहीं जाना है। सानू पता सवेरे सानू बराथे पैन दे, साडा लंबर बंद हो जाएगा, कम पुत्र नहीं जाए कम नहीं करना, करिया भी कितिया हुई कुछ छोड़िया भी कितिया हुई कुछ। कभी कोई वाकया वेख्या होवे? वाकया वक्तर भी तो दसा भी वाकया कबर तो दसा ही कोई वाकई शह निकलती कोई अड्डी निकलती अगला शहर से लाने कबर कटा देगा लग जाते हैं कबर के उत्ते कबर काट दी कबर के उत्ते कबर काटी थी अगले मालिक पर्ची लियाने वो उतों लिखती अगले देते हैं अगले साई मालिक आगे आप पाठ दो असं पाठ दे साड़ी ऐसा पावर नहीं हैगी ना सर जी उत्ते पटन की तू मैनू किन्ना जो सबूत दादा आपदा देवे उन्हें मैं कबर से लागे नहीं जाना इन गल पुत्र ये तो बाद गल कोई नहीं। कोई ऐसा अल्लाह का बंदा देखा हो जिंदा कफन भी मैला ना होया कभी कोई कबर डिगी होते वादे घाटे होंगे उन्हें कबर से लागे जाता ही कोई मेरी भैन उन्होंने लागे जाता ही कोई और बाजी वो गल तो दसा पुरानी गल हो गई है वो तेन दस दिता उन की करना की कटना आप लैना उन्हें चो ਅਗੀ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਫੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿੜੀ ਵੀ ਅਗਲੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੁੰਦੇ ਹਮ ਜੀ ਅੱਛਾ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਵਾਲ ਵੂਲ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਸਮੈਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਈ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਤੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਕਿਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਸ ਇੱਕ ਪਾਉਂ ਨਾ ਕਿ ਨਾ ਮਜੀ ਖਵਾਈ ਜਾਈਏ ਅੱਛਾ ਇਨਾ ਆਪਾਂ ਆਪ ਗੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਗੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਆਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੈ
आप गंदे हाँ। अपनी इन्नी स्मेल है, इन्नी बो है, इन्नी बो है, इंसान की अपनी बड़ी बो है, खड़े नहीं हो सकते। बार दफा इंज होया वो बाजी बड़ा बड़ा कुछ होया चाचा, तो साढ़े इतों बड़े बड़े कोई लैन आए ने साहब पुछे आए तो अभी उन्हें उत्ते आखी भी आह कुछ है कि असी क्यों झूठ मार जो रब रब उत्ते सिर से खड़ा के कुड़ी जगह झूठ मारते थे। मैं पुत्र कुछ नहीं वेख्या, अल्लाह ना ही है गई, अल्लाह ला कर दी फिर तो लगी फिर कितने बगी। कबर लपा लेंदे ने, कबर लपा लें पैसे नहीं देने, मैं सारिया गलां क्यों दसा। एक आई वो आए थे मियाँ बीवी, कहते बाबा वो साड़ी चाची चाचा चाचा साड़ी चाची पुफी साड़ी बासी फौत होई है, तो असी आए हाँ कुल्ला आ कबर लिपते। मैं मियाँ कबर लिपती 500 रुपया फड़ा तो नहीं, तो बाकी तेनों असं कर लाँगे। आ 8वां नवां महीना आई, इन्नी कुरबानी बीज भी गई, मर्म भी गए, ये आ कुरबानी भी गई, वो पिछा बहुत पैसे दिए। कबर लोग धोखा कर देंगे ने, तो बंद किसी ने कहे धोखा कर देंगे आप करते हैं, इन कोई शायद कोई नहीं करती, आप तो वेल बहुत आप आपदे च आँदी है, किसी किसी नहीं आती। आज शायद ना आप देंगे रात को कब्रस्तान नहीं सौंदे हो? रात कब्रस्तान नहीं सौना मैं, कोई डर नहीं कभी लगा? कुछ भी नहीं छाते, अगर मुद्दे वास्ते जफिया पा देने फिर और आखिए की कड़ा मार गया कितों पुत्र उन्हें उठना है, वो मिट्टी का मिट्टी बन गया, गल्ला है गया पाओ कि मर्जी बनाई जाओ, तो सारा नौकरी का साफ है तुम्हारा, तुम भी ला लो साफ। चलो ठीक है जी। जी नाजरीन, जितने हम गंदे हैं इतनी कोई चीज़ भी गंदी नहीं। बाबा जी ने बताया कि जितनी स्मेल हमारी है उतनी किसी चीज़ की स्मेल नहीं है, तो आदमी की स्मेल पड़ी है, यानी कि आप खुद गंदे हैं। जी हम खुद ही गंदे हैं और हमारी खुद की इतनी स्मेल होती है, ये तो मिट्टी है जो हमें अपने अंदर समा लेती है। स्मेल मिट्टी समा दी पई है, स्मेल मिट्टी समा दी पई है, वो नहीं समाई जानी। ये अल्लाह ने एक पर्दे की जगह बनाई हमारी कब्र कि उसके अंदर जो है ना हम वो समा जाते हैं। और एक पढ़ी लिखी कोई लड़की की डेथ हुई थी, बाबा जी ने बताया, तो कब्र निकाल रहे थे, कह रहे उनका कफन नज़र आया था और उसके अंदर से खुशबू आई थी, उस कब्र के अंदर से कई साल हो गए थे उसको फौत हुए हुए और उसके अंदर से खुशबू आई थी, वरना कहते मैंने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं देखा। और चंगे माल अल्लाह के माल ने बंदा माल, अजकल कोई इतने छुरा फेरी फिर कुछ की फिर आप हिसाब लाई फिर देते लोग। ठीक हो गया, चलें जी नाजरीन, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और अच्छे माल यही हैं कि नमाज तो हम पढ़ते ही हैं दिखावे की, ठीक है, झूठ भी हम बोलते हैं और सारे काम हम करते हैं। पानी पाई तो नमाजी और मसीते अपने खड़े होंगे और तो पानी चौकी आवे दूध दे, हाँ दूध के अंदर पानी डालते हैं और उधर से नमाज भी पढ़ते हैं। तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हमारी औकात एक मच्छर के पर के बराबर है, और दुआ में याद रखिएगा।